संघर्ष और सत्य की राह पर कुल 4 सेकंड, संघर्ष और सत्य की राह पर जो चालक हुई लीडर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? और मारा साथी नेता जो भी भाषण करे वहां तो मारो आग्रह है, क्योंकि यह अव्यवस्था एक ही जिला में हुई, यह बूंदी जिला का जिला एससी की बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि मारे ख्याल से यहाँ और 1-2 महीना पहले 3 महीना पहले आया थे नया, मारे ख्याल से यहाँ ऐसा जिला में काम करे थे जहाँ कोई बोलबाला नेता न हो, और मारे ख्याल से यहाँ यह भी गलतफहमी थी कि बोलता चालता तो राजमदी ये कहीं करा, तो जितनी गड़बड़ करनी हो कर लो, यहाँ आज ध्यान कोई न तो गाड़ी में घना कतरा घेरू। शुरुआत में पहले घेरी डाले जाओ, फिर थोड़ी गाड़ी उठा के बाद में दूसरो गाड़ी जाओ, धीरा 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 छठा सातवा ताई गाड़ी पहुंचे, या ना हाल वही देख मिले 4 गेर वाली गाड़ी में 4 का 4 ही बैग ला गया, यहाँ को पालो हुआ गाड़ी इसमें पड़े जाल था 6 गेर आगे लागे जाके यहाँ का पालो ना पड़े, यहाँ को ताजा ताजा फेली पड़े, या यो एक षड्यंत्र भी हो सके, यो षड्यंत्र भी हो सके जे, क्योंकि जिला में 799 डीजा जल रही थी, 799 सु जो 2 बीजेपी का विधायक है वहां का इलाका में तो यहाँ पूर्ति कर केवल 180 दीपियां बाकी रखी, और केवल मंत्री का इलाका में 520 दीपियां की कमी रखानी, हर सात दिन में मैंने यहाँ की मीटिंग ली पूरा 2 महीना तक, हर सात दिन में मुझसे झूठ बोली कि आज 150 डीपियां दे रहे थे, 800 डीपियां दे रहे हैं, 750 दे रहे, 520 को आंकड़ों किसे आए कुल मिला, और कोई बड़ा षड्यंत्र को इस भी हो सके थे, ताकि कांग्रेस का नेता ने कार्यकर्ता ने जो 5 साल जनता की सेवा करी, दिन में बिजली दिलाई, विशियारा न कटवादी, जनता के कोई लूट न उबादी, तो बहुत सुख पाया इंडोली नैनवा का, तो या न चुनाव को पहले दुख दे दो जो पब्लिक भूल जाओ, बढ़िया की गलत पे भी जो ठीक कर देंगे चिंता मत करो, क्योंकि दो महीना से समस्या हुई तो टोंट आपना कांग्रेस का नेता नहीं सुने, क्योंकि कुणसू का जिक्र आज रहे जिस भी का, और यह अव्यवस्था यहाँ गिरी, और जो भी मारो आग्रह जे हम एक एक कर अपना जो संबंधित नेतागण जे जिला का वहां भी बुलाऊं तो वो अपनी बात रखेगा, बात के साथ साथ यह बात केवल वो खेबो चाहूं क्योंकि यह अव्यवस्था को वजह से ही आ रही, और यह अव्यवस्था एक जिला तक सीमित, कोटा में कोई अव्यवस्था कोई, बारह में कोई अव्यवस्था कोई ना, झालावाड़ा में कोई ना, और दूसरा जिला को अव्यवस्था की कोई बात ना ही, तो यह अपना जिला तक सीमित है, और मांग अपनी अपनी से जो 4 दिन पहले इसको हमने वादों करी वो वादों पूरो करे, 520 दीपियां जो जड़ी तकी थी वो देवा को वादों करियो, जो घूमस 425 दे दी 80%, पर 96 रेवा दी तो 96 भी ना छोड़ू, या तो ये पहली रेगुलर देता रहता और स्टॉक में 300-400 डीपियां न रखता तो मैं मान जाता भाई कोई बात ना, क्योंकि पूरा राजस्थान में समस्या जब आ बरका न पड़वा की वजह से बिजली विभाग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव, और इस वजह से मैं हर गांव में जान दौरा कर रहे जो मैं यही समझा जो यार बरका न पड़ रही बिजली विभाग के ऊपर दबाव है, थोड़ा अपन भी समझा बरका ही न पड़ रही है कि कहीं गलती, मैंने अनेकों बारी आकी कम से कम 50 बारी आकी, लेकिन इतनी अति आगी आगे कि डीपियां न पटवा की वजह से 60 डीपियां तो दूसरा जिला न लौटो की बूंदी आई थी, और जीतन मैंने ट्वीट करे हो उदन 330 डीपियां यहाँ का हाथ में रखी हुई थी पर यहाँ बांटी कोई नहीं।
आखिरी 100 को लोट 13 दिन पहले आए तो और कम से कम 250 डिपरा तो महीना भर सो बड़ी जिया ना पांडी को इसु बड़ो अन्याय एक अधिकारी जनता के ऊपर किसानों के ऊपर इसु बड़ो अन्याय नो सके जो किसानों की खड़ी खड़ी फसल सूखी सुबह उठे जो और रोज खून का घूंट पिए जो अपनी फसल ना अपना परिवार का अपना जानवर का 12 महीना का धान ना अपनी आंखों के सामने जल तो देखो अपनी आंख के सामने अपना एक परिवार का व्यक्ति के मृत्यु होगा तो बराबर क्योंकि जब उनका खेत सूख जाओगा तो उनका घर का गोदाम खाली हो जाओगा जब परिवार भूखा रहेगा और पशु भूखा रहेगा तो वह हालात और मंजर को मृत्यु से कम कोई और यह केवल और केवल आज राजस्थान का मुख्यमंत्री जनता जनार्दन ने हर तरह को फायदा देवो चाहो 500 रुपया में सिलेंडर दे रहे थे चिरंजीव में 25 लाख तक की आप लोगों की हर जनता की इलाज 25 लाख तक को फ्री हो रही है 100 यूनिट घरेलू बिजली फ्री कर दी 2000 यूनिट खेती की बिजली फ्री कर दी तो कितनी मानसिकता और कितनी मनसा जे का जनता दुख न पानी चाहिए और ये एक अधिकारी का मिसमैनेजमेंट की वजह से पूरा जिला का किसान दुख पा जाए यहाँ के खिलाफ अगर एक बात बताओ यहाँ की अपनी अति का ऊपर भाई देखो यहाँ से कहीं कहीं खेत ही यहाँ का संगठन बन रहा है मंत्री हमको मारने की धमकी दे रहा है ने खाल कर कहीं कहते इन तुम्हारे चक्कू घोंप दो यहाँ भरोसो जब यहाँ को क्या भरोसो कोई नहीं फिर यहाँ का संगठन मंत्री मुर्दाबाद मंत्री अरे मैं कोई सांसों कहीं खोसने जाकर जनता को अधिकार मांग रहे थे बात की तंगी माँ की नौकरी ये बात की तो नौकरी से कहीं काम से मंत्रियों को विधायकों को सरकारी विभाग का अधिकारियों को कर्मचारियों को कहीं काम से जनता ने सुविधा देवा को काम और फिर कई बार कोई अधिकारी से तू तू मैं हो जाओ तो फिर चलाओ जे अरे ऐसी जाति के अधिकारी को ऐसा मंत्री जी ने कर दिया हाय भगवान बहुत बुरा कर दिया यार मन जब कोई व्यवस्था की बात अड़े जे तो उनमें जाति को कहीं मतलब से कहीं लेनो देनो से या तो विधायक अधिकारियों के बीच की बात पर कई चीज आ जाओ ये तो मन भर गया गया सो जी आप फैली ज्यादा बदनाम हो रहे हैं अधिकारी से पंगो लेवा की वजह से आप तो चुपचाप दर दे दो आग लागवा दो तो दर नो दो ताकि सोया तक जितना भी लोग तो आके आके सुन लो और कई लोग पहला दिन मैंने ट्वीट करो तो मैंने ध्यान देवा लग गया अरे मंत्री होते हुए दर नो दगा तो आपकी कमजोरी दिखेगी अरे जनता मर गई तो आपकी किसी मजबूती दिखेगी किसानों की फसल सूखी तो मंत्री मजबूत होगा किसान का घर में अन्न न रहेगा फिर आप मजबूती को कहीं करेंगे मजबूती को कहीं करेंगे बताओ अगर गरीब का घर में अंधेर हो जाए बच्चा ने रात में पढ़ाई न कर पा रहा वहां का बच्चा फेल हो गया तो आपकी मजबूती कहीं करेगी मनिया बताओ जनता की मजबूती नेता की मजबूती से और जनता की कमजोरी नेता की कमजोरी अगर जनता कमजोर होगी तो वो नेता भी कमजोर हो जाओ और जनता मजबूत होगी वहां का नेता आपता ही मजबूत हो जाओ तो ये सब दिमाग से उखाड़ दो आंदोलन और इनकी कोई तारीख न रहे बस वजह रह जे वजह के ऊपर अड़बो सही वजह के ऊपर सही समय पर अड़बो ये असली नेता की पहचान है अब आपने बीच में आपने जिला का उप जिला प्रमुख आदरणीय बंसीलाल जी मीणा साहब जे वहां से आग्रह करूं अपनी बात कहे और आपने सब वक्त यह ध्यान रखेंगे कि सरकार आपनी जे और आपनो आंदोलन कोई विभाग या कोई सरकार के खिलाफ कोई ना केवल एक अधिकारी की अव्यवस्था और आगे से यह रिपीट ना हो जाओ क्यों कि अकेला अकेला हम तो लल्लू चोपू कर ले जे अरे सर गलती होगी गलती होगी बढ़िया के बाद रिपीट भी होनी चाहिए आगे ये वजह से आज ये लड़ाई लड़ रहे हैं कहिया कत्ते ही सहन करवा लाए बात कोई सब विभाग सुन ल कहिया सहन न होगी कत्ते आंखें की जनता की आंखें मैं दूर भगाऊंगा या सहन न करूंगा आदरणीय उप जिला प्रमुख।